भारत के परले से पाकिस्तान में मचा तहलका। पाकिस्तान की बाबर मिसाइल का DRDO ने बनाया आडंबर। पाकिस्तान ने कहा कि भारत ने पाकिस्तान की नकल करके किया अपनी मिसाइल का परीक्षण। जी हां दोस्तों, भारत ने बुधवार को ओडिशा के तट के पास सतह पर मार करने में सक्षम कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल परले का परीक्षण किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बधाई दी। परले मिसाइल को DRDO ने विकसित किया है और ये ठोस ईंधन युद्धक मिसाइल भारतीय बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम की पृथ्वी रक्षा वाहन पर आधारित है। सूत्रों ने बताया कि APJ अब्दुल कलाम द्वीप से सुबह करीब 10:30 बजे लॉन्च की गई परले मिसाइल ने मिशन के सभी उद्देश्यों को पूरा किया। उन्होंने कहा कि निगरानी उपकरणों के जरिए तटरेखा से इसके प्रक्षेपण की निगरानी की गई। परले 350 से 500 किलोमीटर से कम दूरी की सतह पर मार करने वाली मिसाइल है और यह 500 या 1000 किलोग्राम का विस्फोटक वहन करने में भी सक्षम है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट किया, पहले परीक्षण के लिए DRDO और उसकी टीम को बधाई दी। उन्होंने कहा, सतह से सतह पर मार करने वाले आधुनिक बैलिस्टिक मिसाइल के सफल प्रक्षेपण के लिए मैं बधाई देता हूं। आज महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की गई है। दोस्तों, परले शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। यह जमीन से जमीन पर मार करने के लिए बनाई गई है। DRDO ने इसे भारत की भरोसेमंद पृथ्वी मिसाइल प्रणाली पर बनाया है। यह मिसाइल 5 टन वजनी है। इसमें 500 से 1000 किलोग्राम तक के पारंपरिक हथियार लगाए जा सकते हैं। यह इनर्शियल गाइडेंस सिस्टम पर चलने वाली मिसाइल है। इसका मतलब यह है कि यह मिसाइल अपने टारगेट के हिलने पर खुद को उसी दिशा की ओर अपने आप को ले जा सकती है। यह सॉलिड प्रोपेलेंट फ्यूल है। इस मिसाइल के बारे में ज्यादा जानकारी सरकार या DRDO के द्वारा सही नहीं की गई है, क्योंकि यह पृथ्वी मिसाइल की तकनीक पर बनी है। तो आपको बता दें कि यह भारत की 3 शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल की तकनीक से मिलकर या प्रेरित होकर बनाई गई होगी। यह है प्रहार, पृथ्वी 2 और पृथ्वी 3। अगर पृथ्वी मिसाइल के प्लेटफॉर्म को इसका आधार मानते हैं तो परले मिसाइल के वॉरहेड में हाई एक्सप्लोसिव पेनेट्रेशन क्लस्टर म्यूनिशन फ्रेगमेंटेशन थर्मोबेरिक केमिकल वेपन और रणनीतिक परमाणु हथियार भी लगाए जा सकते हैं। और ऐसे में यह मिसाइल स्मॉल न्यूक्लियर टैक्टिकल बम का काम कर सकती है। जैसे कि यदि भारत को पाकिस्तान या फिर चीन के एक छोटे हिस्से पर न्यूक्लियर हमला करना हो तो इस मिसाइल का प्रयोग किया जा सकता है, क्योंकि इस मिसाइल का असर 200-300 किलोमीटर के भीतर के क्षेत्र में ही होगा। परले मिसाइल को विकसित करने की अनुमति मार्च 2015 में दी गई थी। तब इसके लिए 332.88 करोड़ रुपए का बजट सेक्शन किया गया था। इसे लॉन्च करने के लिए 8x8 टाटा ट्रांसपोर्टर इरेक्टर लॉन्चर का उपयोग किया गया है। ये सारी मिसाइलें भारत के इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम का हिस्सा है। परले मिसाइल की टारगेट ध्वस्त करने की सटीकता 10 मीटर यानी कि 33 फीट है। इसका मतलब यह है कि अगर टारगेट से 33 फीट के दायरे में यह मिसाइल गिरती है तो भी उतना ही नुकसान होगा जितना सटीक निशाने पर गिरती है तो करती है। छोटी दूरी होने का फायदा यह है कि इसे आप देश की पश्चिमी या पूर्वी या उत्तरी सीमा पर तैनात करके दागते हैं तो सिर्फ वही इलाका नष्ट होगा जिसको आपको जरूरत है, बेवजह का नुकसान नहीं होगा। परले मिसाइल की गति का खुलासा अभी तक नहीं किया गया है। अगर पड़ोसी देशों की बात करें तो चीन के पास इस स्तर की डॉग फेंग 12 मिसाइल है, जबकि पाकिस्तान के पास गजनवी M11 जो चीन से मिली है और शाहीन मिसाइल है। इनमें से गजनवी 320 किलोमीटर, M11 350 किलोमीटर और शाहीन 750 किलोमीटर रेंज की मिसाइलें हैं। ऐसा माना जा रहा है कि परले मिसाइल में रात में भी हमला करने की तकनीक लगाई गई है, यानी दुश्मन के ठिकानों पर रात में भी हमला करके उसे बर्बाद किया जा सकता है। इस मिसाइल में इंफ्रारेड या थर्मल स्कैनर लगा हो सकता है जो टारगेट को अंधेरे में खोजकर उसे नष्ट कर सकता है। दोस्तों, DRDO द्वारा परले मिसाइल का सफल परीक्षण करने के बाद पाकिस्तान की तरफ से यह जवाब आया है कि भारत पाकिस्तान की बाबर मिसाइल को देखकर परले मिसाइल का परीक्षण कर रहा है। लेकिन दोस्तों, अब इन गरीबों को कौन बताए कि भारत पाकिस्तान जहां साल में एक बार किसी मिसाइल का परीक्षण करता है, वहीं DRDO महीने में 3-4 डिफेंस वेपन्स मिसाइल ड्रोन आदि का सफल परीक्षण करता है। और बात रही बाबर और परले मिसाइल की तो दोनों अलग अलग कैटेगरी में शामिल होती है, लेकिन पाकिस्तान की बाबर मिसाइल की तुलना भारत की इस कैटेगरी वाली मिसाइल से की जाए तो उसमें भारत की नर्वे मिसाइल है और जिसके सामने पाकिस्तान की बाबर मिसाइल डाबर बन जाती है।
दोस्तों पाकिस्तान ने अपनी मिसाइल बाबर के नए वर्जन का बीते मंगलवार को सफल परीक्षण किया था। पाकिस्तान में ही निर्मित इस मिसाइल के एनहेंस्ड क्रूज वर्जन का सफल परीक्षण फरवरी के बाद अब किया गया है। यह नई मिसाइल 900 किलोमीटर तक हमला कर सकती है। इससे पहले इसकी रेंज 450 किलोमीटर थी, लेकिन अगर इसकी तुलना भारत के किसी मिसाइल से करें तो यह निर्भय से कई मामलों में कमजोर है। इस मिसाइल का नाम दिया गया है बाबर क्रूज मिसाइल 1B। यह जमीन से जमीन पर मार करने वाली मिसाइल है जिसका उपयोग पाकिस्तान की सेना करेगी। पाक की सेना ने दावा किया है कि बाबर मिसाइल जमीन और समुद्र में सटीकता के साथ टारगेट को निशाना बना सकती है। परीक्षण के समय बाबर मिसाइल के प्रदर्शन को देखते हुए पाक सेना के कई उच्च अधिकारी मौके पर मौजूद थे। बाबर 1B मिसाइल का वजन 1500 किलोग्राम है। यह 6.2 मीटर लंबी है। इसका व्यास 0.52 मीटर है। इसमें 450 से 500 किलोग्राम पारंपरिक या परमाणु हथियार ले जाने की क्षमता है। इसकी अधिकतम गति 990 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसका विंग स्पेन 2.5 मीटर का है जो इसे उड़ते समय मदद करता है। दो तरह के सॉलिड फ्यूल और लिक्विड फ्यूल के दो बूस्टर और जेट इंजन हैं। वहीं दोस्तों भारत की निर्भय क्रूज मिसाइल की बात करें तो निर्भय क्रूज मिसाइल 6 मीटर लंबी और 0.52 मीटर चौड़ी है। इसके पंखों की लंबाई 2.7 मीटर है। ऐसा माना जा रहा है कि इस मिसाइल में ऐसी तकनीक भी लगाई गई है जिसके जरिए दुश्मन के टारगेट को खत्म करने से पहले इसकी तस्वीर या वीडियो खींचकर ये कंट्रोल रूम तक भेज देगी। इस मिसाइल में स्वदेशी माणिक टर्बोफैन इंजन का उपयोग किया गया है। निर्भय क्रूज मिसाइल की अधिकतम गति 1111 किलोमीटर प्रति घंटा है, मतलब पाकिस्तान की बाबर से तो ज्यादा ही है। इस मिसाइल में सी स्किमिंग और टेरेन हंगिंग कैपेबिलिटी, यानी यह मिसाइल समुद्री पानी और जमीन से थोड़ा ऊपर उड़कर रडार को चकमा दे सकती है, जबकि पाकिस्तान की बाबर मिसाइल में यह तकनीक नहीं है। यह ऐसी स्थिति होती है जिसमें उस पर निशाना लगाकर उसे निष्क्रिय करना बेहद कठिन हो जाता है। निर्भय क्रूज मिसाइल में ऐसी प्रणाली भी है, ये रास्ते में अपनी दिशा बदल सकती है, यानी चलते फिरते टारगेट को भी नष्ट कर सकती है। ये समुद्र और जमीन दोनों स्थानों में मिसाइल लॉन्चर्स के जरिए दागी जा सकती है। फिलहाल इस मिसाइल को थल सेना को दिया जा रहा है ताकि सेना इसका 3 और टेस्ट कर सके। सेना में शामिल होने के बाद इन मिसाइलों को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तैनात किया जाएगा, यानी चीन से सटी सीमाओं पर इसकी तैनाती होगी। बाबर 1B मिसाइल चलते फिरते टारगेट पर हमला नहीं कर सकती, इसमें वो प्रणाली नहीं है। अब दोस्तों अंत में निष्कर्ष देखें तो पाकिस्तान की बाबर मिसाइल भारत की निर्भय मिसाइल के सामने कुछ भी नहीं है। ना वो आधुनिक तकनीक है जो रडार सिस्टम से अपने आप को बचा पाए, ना कुछ। लेकिन तब भी पाकिस्तानी मीडिया में भारत से रेस लगाने की होड़ मची रहती है। पाकिस्तानी मीडिया को यह समझना चाहिए कि अभी वो कंगाली की हालत में जी रहे हैं। अपनी रोटी कपड़ा और मकान और आम जनता पर फोकस करे, भारत से होड़ ना करे। तो दोस्तों भारत और पाकिस्तान की निर्भय और बाबर मिसाइल की तुलना देख आपको क्या लगता है, और क्या आपको लगता है कि भारत को निर्भय मिसाइल LOC सीमा और LSC सीमा दोनों पर तैनात कर देनी चाहिए? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख कर दे सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।